अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िया, वेलकम करता हूं आपको YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे MMAC10 बेंजोएट इंसेक्टिसाइड के बारे में। MMAC10 बेंजोएट एक न्यूली केमिस्ट्री प्रोडक्ट है जो कि यूज़ किया जाता है चीविंग इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट। दोस्तों ये कैप्रिकॉन का प्रोडक्ट है और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 1.9% EC मीन्स इमल्सिफाइबल कंसनट्रेट। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करें तो वो है MMAC10 बेंजोएट। दोस्तों MMAC10 का जो मोड ऑफ एक्शन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब हम इसको स्प्रे करते हैं किसी भी इंसेक्ट पेस्ट के ऊपर तो ये किसी भी इंसेक्ट को ऑन द स्पॉट किल नहीं करता बल्कि उसके नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है या डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से मेंटली तौर पर जो इंसेक्ट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और खाना पीना छोड़ देता है और तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद इन कीड़ों की जो या इन पेस्ट की जो है वो अमवात यानी कि वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसकी एक खूबी ये है कि इसके अंदर ट्रांस लेमिनर एक्टिविटी है और जिसकी वजह से ये देर पा तक किसी भी प्लांट्स के ऊपर जो है वो रहता है और जो भी न्यूली इंसेक्ट इसके ऊपर आते हैं तो ये उनको भी किल कर देता है। दोस्तों अगर टारगेट क्रॉप्स की बात करें तो राइस और कॉटन के ऊपर अमेरिकन बॉलवॉर्म यानी कि अमेरिकन सुंडी, इसका काफ़ी सीवियर अटैक होता है और ये अमेरिकन बॉलवॉर्म के अगेंस्ट बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देता है। इसके अलावा राइस और कॉटन के ऊपर बाकी भी जो चीविंग इंसेक्ट पेस्ट होते हैं तो उनको भी ये 100% कंट्रोल करता है, लेकिन अमेरिकन बॉलवॉर्म के अगेंस्ट तो ये इसका कह सकते हैं कि कोई जो है जवाब नहीं। दोस्तों अब बात करते हैं टारगेट पेस्ट की। तो टारगेट पेस्ट का जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिकन सुंडी यानी कि अमेरिकन बॉलवॉर्म और दूसरे जो चीविंग पेस्ट होते हैं, दूसरी जो सुंडियाँ होती हैं और जो प्लांट्स के लीव को च्यू करते हैं तो उन तमाम के अगेंस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो डोजेज है वो भी बहुत ही आसान है। आपने इसका जो सोल्यूशन बनाना है वो 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, मतलब कि 2 ml आपने MMAC10 के लेने हैं और 1 लीटर पानी का। इसी हिसाब से आप सोल्यूशन ज़्यादा भी बना सकते हैं लेकिन आपने डोज यही रखनी है 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर। इस हिसाब से आप सोल्यूशन बना के आप इसको किसी भी क्रॉप्स के किसी भी जो है चीविंग पेस्ट के अगेंस्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये कैप्रिकॉन का प्रोडक्ट है। इसके प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन 800 तक आपको किसी भी केमिकल शॉप से या मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगा। ये 400 ml की बॉटल है। इसका मतलब ये है कि आप इसको 2 एकड़ पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि 400 ml है तो आप 100 लीटर में 200 ml जो है यूज़ करेंगे और इस तरह जो है आप 1 एकड़ पे अप्लाई करेंगे और दूसरा जो है 100 ml को आप दूसरे एकड़ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।